चिल्ड्रन, तो आज जो आपको मैं सिखाने वाली हूँ वो देखिए इस तरह की बटरफ्लाई सिखाने वाली हूँ। तो इसे सिखाने के लिए हमें जिन जिन चीजों की रिक्वायरमेंट है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कुछ नहीं, आपको क्राफ्ट पेपर की रिक्वायरमेंट है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, ये बटरफ्लाई को यहाँ इस तरह से पहले आप एक बार टर्न कर लेंगे। जस्ट उसके बाद आपको सेकंड कॉर्नर भी यहाँ पर ले जाना है, बिल्कुल बराबर, देखिए आपको बराबर रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रेस कर देना है। इस तरह से आप प्रेस कर देंगे, आप फिर इसे ओपन कर लेंगे। अब आप इसके बैक साइड में जाएंगे और इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, बराबर कॉर्नर्स को लेते हुए आप इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर इसे ओपन करेंगे। और इसे ओपन करने के बाद आप फिर से इस तरह से बराबर में आपको रखकर फिर इस तरह से आप इसे फोल्ड करेंगे, ठीक है। अब जब आप इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, तो फोल्ड करने के बाद आपको क्या है कि इस तरह से पेपर मिलेगा। तो आपको ये देखिए, ये दो कॉर्नर मिल गए हैं, इनको आपको ले जाकर इधर इस तरह से मिलाना है। तो आप अगर सोच रहे हैं ये करेक्ट है, तो ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है, बिल्कुल गलत है। अब आपको क्या करना है वो देखिए, आपको ऐसे नहीं ले जाना है, आपको ऐसे ले जाना है, आपको इतनी लंबाई में मिलना चाहिए ये और ये वाला शेप आपको चाहिए बटरफ्लाई के लिए, ओके। अब जब आप ये रेडी कर लेते हैं, तो आपके पास इधर भी दो होंगे, इधर भी दो विंग्स होंगे। अब हमें क्या करना है कि हमें ये यहाँ पर इस तरह से मोड़ना है, ठीक है। अब ये जो दो हैं, तो हम क्या करेंगे, ये हमने मोड़ लिया और ये, तो अब हम इन्हें कट करेंगे। तो इन्हें कट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, तो अब ये स्टार्ट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इसे इस तरह से फोल्ड कर लीजिए और ये जो दो आपके विंग्स हैं, इनको थोड़ा सा स्मॉल साइज में आप इसको राउंड सर्कल देते हुए इस तरह से कट कर दीजिए। अब ये देखेंगे आप, तो इससे छोटा है। अब आपको सेम यही प्रोसेस यहाँ पर भी करना है, लेकिन ये लॉन्ग है तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं कट करना है, इन्हें भी आपको देना है शेप मगर बहुत कम। यानी आपको क्या करना है, ये दो विंग बड़े होंगे, दो छोटे होंगे। अब हमें इन्हें इस तरह से टर्न करना है, इन्हें नहीं करना है, आगे वाले आपको दो करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से ये आप जाएंगे, ध्यान से देखिए, इसे आप टर्न करेंगे और इसे आप इतना ही ले जाएंगे। इतना ले जाने के बाद आप क्या करेंगे, ये वाली जो चीज़ है इससे आप यहाँ पर वापस लाएंगे और अच्छी तरह से प्रेस करेंगे, और फिर इसके बाद आपको इसे भी यहाँ पर प्रेस करना है। ये दो विंग्स को आप छोड़ देंगे और यहाँ अच्छी तरह से इसे प्रेस करना ज़रूरी। जब आप इसे प्रेस कर देंगे और इस तरह से आप करेंगे, थोड़ा सा यहाँ से आप इसको फुला लीजिएगा इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से, तो आपकी बहुत प्यारी सी बटरफ्लाई बनकर रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से बनकर नज़र आएगी। तो आई होप आपको पसंद आई होगी। और आप इसे और खूबसूरत बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, दूसरे कलर, बहुत प्यारे प्यारे कलर्स ले सकते हैं। मेरे पास वाइट था तो मैंने वाइट लिया है। फिर आप इस पर कुछ कुछ अपनी पसंद का, जो भी आप चाहें, जैसा टेक्सचर चाहें, कलर पेपर से, क्रेयॉन से बना सकते हैं और बहुत खूबसूरत लगेगा, है ना। चलिए टाटा, बाय बाय, बनाइएगा, मुझे पिक्स भेजिएगा।